तो नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल साहिल फ्री डिश में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ स्टार उत्सव सोनीपाल जीएल मोल कलर्स रिश्ते टीवी चैनल्स के बारे में। दोस्तों, 1 दिसंबर 2022 को यह टीवी चैनल ऐड होने वाले थे, लेकिन दोस्तों किन्हीं कारणवश यह टीवी चैनल नहीं ऐड हुए। और दोस्तों, अब ये टीवी चैनल कब ऐड होंगे इसकी सारी जानकारी दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, क्या वो न्यूज बिल्कुल फेक थी, सभी ने बिल्कुल फेक न्यूज दिया था या सच न्यूज दिया था, उसी के बारे में आज इस वीडियो में बातें होंगी। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, स्टार उत्सव, कलर्स रिश्ते, जी अनमोल, सोनीपल, ये 4 चैनल नहीं सिर्फ 2 चैनल डीडी फेवरेट्स पे आने वाले थे, जिनके बारे में वीडियो बनाई गई थी और उनकी अपडेट दी गई थी कि रात 12 बजे ऐड होंगे। वीडियो भी बनाई गई, रात के 12 बजे भी बनाई गई, लेकिन वो चैनल ऐड नहीं हुए। फिर सुबह में बना के बताई गई कि ये चैनल ऐड नहीं हुए हैं। उसके बाद से दोस्तों दूसरे दिन भी बना के दिखलाई गई, चैनल ऐड नहीं हुए। लाइव सेक्शन में भी आके बताया कि चैनल ऐड नहीं हुए, क्या कारण थे ये भी मैं आप लोगों को बतलाऊंगा। दोस्तों, बहुत सारे दर्शक ये कह रहे हैं कि 5 तारीख को ऐड होगा, बहुत सारे दर्शक कह रहे थे कि 2 तारीख को ऐड होगा, ये दर्शक कह रहे थे। तो दोस्तों, मैं ये कहता हूं कि जब वो चैनल ऐड नहीं हुए तो उनके अंदर बहुत ही गहरा कारण हो सकता है। बहुत सारे दर्शक ये कह रहे थे कि स्लॉट का ये चक्कर है, तो मैं ये कहता हूं कि स्लॉट का चक्कर कैसे हो सकता है। बहुत सारे दर्शक ये कह रहे थे कि वो चैनल का फिर से ये ऑप्शन होगा तो ये चैनल ऐड होंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। दोस्तों, आप देख क्या रहे हो, आपको दिखाई क्या, दिखाया क्या जा रहा है, आप सुन क्या रहे हो, सुनाया क्या जा रहा है आपको। बस कहने का मतलब ये है, आप सुन कुछ और रहे हो, सुनाया कुछ और जा रहा है, आप देख कुछ और रहे हो, दिखाया कुछ और जा रहा है, आप लोग बोल कुछ और रहे हैं, बुलाया कुछ और जा रहा है। कहने का मतलब ये है, प्रसार भारती की तरफ से जब ये अनाउंसमेंट हो गया कि 1 दिसंबर को आप ऐड हो जाएंगे, तो वो एक निश्चित पूरा जो प्रक्रिया होती है, सब पूरी प्रक्रियाओं के बाद ही वो चीज फाइनल होता है कि आपको डीडी फेवरेट्स पर ऐड होना है। अब ये क्या कारण है, बहुत सारे दर्शक ये कह रहे हैं कि स्लॉट का खेल है। जरा सोचिए, अगर ये स्लॉट का खेल है तो कहां तक ये खेल सही है। क्या इससे पहले 11550 वाली फ्रीक्वेंसी पे स्टार स्पोर्ट फर्स्ट, स्टार उत्सव मूवीज, स्टार के कुछ और चैनल नहीं हुआ करते थे। सोनीपल भी एक जमाने में 11470 वाली फ्रीक्वेंसी पे हुआ करता था, लेकिन आज की डेट में 2 अलग अलग ब्रॉडकास्टरों ने 63E ऑप्शन में पार्टिसिपेट किया, जो कि कलर्स नेटवर्क का कलर्स रिश्ते टीवी चैनल और उसके बाद से सोनी और जी का जो चैनल है सोनीपल, दोनों अलग अलग ब्रॉडकास्टर हैं। 11550 वाली फ्रीक्वेंसी जहां होम चैनल चल रहा है, वहां पे ये अनाउंस हुआ, प्रसार भारती ने ही किया कि डीडी फ्री डिश का होम चैनल जो चल रहा है वहां पर आपका कलर्स रिश्ते टीवी चैनल आएगा। वहीं पर सोनी पल के लिए भी अनाउंसमेंट ये हुआ कि सोनी पल 11550 वाली जो कि अतरंगी वाला स्लॉट खाली था वहां पर ऐड होगा। जरा सोचिए आप कि अतरंगी टीवी चैनल जाने के बाद, अतरंगी टीवी चैनल के काफी सारे दर्शक हो गए थे और अतरंगी टीवी चैनल काफी अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा था, काफी अच्छे सीरियल वगैरह दिखला रहा था, वहां पे काफी अच्छे लोग मतलब व्यूअर्स जुड़ गए थे और काफी अच्छा टीवी चैनल वो बन गया था। और आज भी हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट आता है कि अतरंगी टीवी चैनल को फिर से लाया जाए। कल लाइव सेक्शन में आया था मैं, तो वहां पर भी लोग बोल रहे थे कि अतरंगी टीवी चैनल को साहिल भाई कैसे हम देखे, तो हमारे फैसल भाई ने जवाब दिया 83° ईस्ट पर ये चैनल चल रहा है, फ्री टू एयर, इसे आप देख सकते हैं। तो मैं भी कह रहा हूं आपको, अगर देखना है तो 83 पे देख सकते हैं। लेकिन अब जरा ये सोचिए, जब अतरंगी ने इतना अच्छा माहौल उस स्लॉट पे बना के वो चला गया, तो क्या सोनीपल ये सोचेगा, चाहेगा कि मैं वहां से जो व्यूवर्स, देखो सोनीपल को जो देखने वाले हैं वो तो घूम फिर के आएंगे ही, वो चाहे जिस स्लॉट पे हो, लेकिन एक बढ़िया स्लॉट उसे मिल गया है जहां पे पहले से ही व्यूवर्स अतरंगी टीवी चैनल के काफी सारे बन चुके हैं। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है, स्लॉट का खेल हो भी सकता है भैया, मैं इसे मना नहीं कर रहा हूं, ये हो भी सकता है, लेकिन वही मैं बात बोल रहा हूं कि आपको सुनाया कुछ और जा रहा है, सुन कुछ और रहे हैं, दिखाया कुछ और जा रहा है, देख कुछ और रहे हैं, बोल कुछ और रहे हैं, बुलाया कुछ और जा रहा है। तो दोस्तों, ये अंदर का गेम है, कुछ और ही हो रहा है वहां पर, अंदर क्या हो रहा है ये आपको भी नहीं मालूम है, ना हमें मालूम है, ना हम प्रसार भारती के बहुत ज्यादा करीबी हैं, ना कोई और करीबी है,
बस यही है जो दिख रहा है उसी को हम YouTube के माध्यम से आपको दिखा दे रहे हैं। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो सिर्फ समझदारों के लिए थी, बाकी आप अपनी प्रतिक्रिया अपना कॉमेंट जरूर कॉमेंट सेक्शन में दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।